विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धनेस दमा के 11वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि 4 हफ्तों के कड़ी मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को वो मार्ग दिखाई दिया और सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम ने यानी अभी सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वो बुद्ध हो गए। बुद्ध ने वो कौन सा नया धम्म है जिसका आविष्कार बुद्ध ने किया, इसको जानने से पहले बुद्ध के पहले से ही किस तरह की फिलोसॉफीज और तत्व ज्ञान इस भारत में रहा करता था, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बुद्ध से पहले भारत में हम क्रम से जाएंगे कि किस तरह से अलग अलग व्यवस्था आई थी। पहली व्यवस्था थी वैदिक ऋषियों की। वैदिक ऋषियों की व्यवस्था भारत में हुआ करती थी। वेद का दूसरा नाम या मतलब है मंत्र, स्तोत्र और ऋचा। इन सभी लोगों को इकट्ठा करके ये वेद इनका नाम दिया गया है। जो भी व्यक्ति, जो लोग इन वेदों का उच्चार किया करते थे, जो इन मंत्रों का उच्चार किया करते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। और ये ऋषि वेदों का, मंत्रों का उच्चार, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, अलग अलग देवी देवताओं को ये खुश करने के लिए ये मंत्रों का उच्चार किया करते थे। ये सारे मंत्रों का उच्चार इसलिए किया करते थे ताकि शत्रु से सहायता प्राप्त कर सके, भक्तों से शराब पा सके, मांस मच्छी मटन पा सके, दौलत पा सके, पैसे पा सके, इसलिए ये ऋषि इन वेदों का उच्चार किया करते थे। कुछ वैदिक ऋषियों का मानना था कि वो अपने आप में तत्वज्ञानी है, वो उनके पास कोई फिलॉसफी है और वो बहुत बड़े तत्वज्ञानी है। ऐसे कुछ नाम मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि ऐसे कुछ ऋषि थे जो अपने आप को तत्वज्ञानी मानते थे, फिलोसोफर्स मानते थे। उनके नाम थे अघमर्षण, प्रजापति, परमेश्वरी, ब्रह्मस्पति, गृहस्पति, अनिल, दीर्घात्मा, नारायण, हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा। ये कुछ ऋषि हैं जो अपने आप को ऐसा माना करते थे कि उनकी कोई फिलॉसफी है। इनकी क्या फिलॉसफी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इनकी ये फिलॉसफी थी कि, और इनकी मुख्य समस्या ये थी कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, यही इनकी मुख्य समस्या थी कि संसार की उत्पत्ति किसने की है, ये कैसी हुई है, इसकी व्यवस्था कौन करता है, ये कैसे चलती है, यही इनकी फिलॉसफी थी। इसमें से जो पहला अघमर्षण है, इसका कहना था कि संसार की उत्पत्ति और ये सारा जो विश्व है ये तपस, ताप, हीट से निर्माण हुई है। दूसरा जो ब्रह्मस्पति है, इसका मानना था कि ये असत से तैयार हुई है। असत का मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे नॉन एग्जिस्टेंस थिंग्स है इस वर्ल्ड की, इस पृथ्वी की, इस विश्व की और संसार की उत्पत्ति हुई है। प्रजापति परमिष्टी का मानना था कि ये पूरा विश्व, ये अर्थ, ये पूरी दुनिया पानी से निर्माण हुई है। परमिष्टी का मानना था कि ये वायु से निर्माण हुई है। अलग अलग लोगों का इस तरह से मत था। विश्वकर्मा का मत था कि ये विश्व, ये पूरा विश्व ईश्वर ने बनाया है। तो इस तरह के ये दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, जो अपने आप को फिलोसोफर्स कहते थे, तो ये इनके मत थे। लेकिन बुद्ध ने किसी भी ऋषियों को, किसी भी ऋषि को आदरणीय नहीं माना और बुद्ध ने किसी भी वेदों को प्रमाण नहीं माना। और बुद्ध ने देखा कि किसी भी वेद से, किसी भी मंत्र से कोई किसी भी तरह का नैतिक उत्थान में, नैतिक प्रगति के लिए, किसी भी इसकी कैरेक्टर के प्रगति के लिए कोई भी वेद, कोई भी मंत्र ये लायक नहीं है। बुद्ध ने सीधे तौर पे कह दिया ये मंत्र ये रेगिस्तान जैसा है, इसमें कुछ भी अपनाने जैसा नहीं है। और बुद्ध ने सभी ऋषियों को और उनके मंत्रों को इनकार कर दिया, नकार दे दिया। इस तरह से बुद्ध के समय में ये ऋषि हुआ करते थे और ऋषियों की इस मंत्रों को बुद्ध ने इनकार कर दिया, इसको डिस्कार। बुद्ध से पहले प्राचीन भारत में और एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कपिल। कपिल अपने ही एक नए सिद्धांत के लिए वो प्रसिद्ध थे। उनका सिद्धांत था, उनकी फिलॉसफी थी, जिस फिलॉसफी को सांख्य फिलॉसफी कहा जाता था। कपिल का सिद्धांत था कि सत्य को प्रमाणित करते हुए आना चाहिए, और प्रमाणित करने के लिए प्रमाण के भी उन्होंने दो तरीके बताए थे, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान के भी 3 भाग उन्होंने बताए थे, जैसे
कारण से कार्य का अनुमान लगाना, जैसे बादल आ रहे हैं तो बादलों से बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, तो उसी तरह से ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कारण से कार्य का अनुमान, उसी तरह से कार्य से कारण का अनुमान, अगर नीचे घाटी में पानी बह रहा है, नदी में बाढ़ आई है, तो उसका मतलब ऊपर पहाड़ों के ऊपर बारिश हो रही है। इस तरह से कार्य से कारण का अनुमान, कारण से कार्य का अनुमान और साम्य, जैसे एक मनुष्य दूसरे जगह पर जाता है तो वो अपनी वास्तु परिस्थिति को बदल रहा है, वो अपनी जगह चेंज करता है, तो उसी तरह से अगर एक तारा दूसरी जगह दिखाई देता है तो इसका मतलब है तारे भी अपनी जो प्लेस है, जो जगह है, वो परिवर्तित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये साम्य उन्होंने ये तीन तरह के निकष इसके लिए बनाए। कपिल ने पूरी तरह से जो ऋषियों का मत था कि ये जो पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है, ये किसी ईश्वर ने बनाई है, कपिल ने इस मत का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं बन सकती। अगर कोई घड़ा मिट्टी का है तो मिट्टी का अस्तित्व था इसलिए वो घड़ा आकार ले सका। तो उसी तरह से कपड़ा अगर है तो धागा भी होता है, तो इसी तरह से जो चीजें है ही नहीं उससे अस्तित्व में आने वाली चीजें प्रकट नहीं हो सकती, निर्माण नहीं हो सकती। ये कपिल ने अपने सिद्धांत में कहा। बुद्ध कपिल के इन सारी बातों से काफी प्रभावित थे। बुद्ध ने कपिल के इन बातों को एक्सेप्ट किया, लेकिन सभी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। जहां तक कपिल बुद्ध को जब तक लगा कि कपिल तर्क और लॉजिक की जब तक बात कर रहे हैं, तब तक उन्होंने कपिल के सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से वैदिक ऋषि और फिर कपिल, ये दो फिलोसोफर्स हुए। अब हम तीसरे फिलोसोफर या तीसरी जो व्यवस्था बुद्ध के पहले भारत में हुआ करती थी उसको जानते कि वो व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारत में वेदों के अलावा और एक धार्मिक ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम था ब्राह्मणास, जिसको हम ब्राह्मण कहेंगे। ये ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, इन दोनों को मिलाकर श्रुति ये कहा जाता था। और इस श्रुति का अपना एक सिद्धांत था, अपनी एक फिलोसफी थी। उनका यह मानना था, ये चार सिद्धांतों के ऊपर ये श्रुति आधारित थी। इनका पहला सिद्धांत यह था कि वेद ये केवल पवित्र ही नहीं है, ये सभी तरह के प्रश्नों से मुक्त है, अचूक है। किसी भी तरह का सवाल वेदों के ऊपर कोई भी नहीं उठा सकता, इस तरह से ये वेद पवित्र थे। इनका दूसरा सिद्धांत था कि आत्मा की मुक्ति हो ही नहीं सकती जब तक होम हवन नहीं किया जाए, बलि नहीं चढ़ाई जाए, धार्मिक विधियां नहीं की जाए, और ब्राह्मणों को जब तक दक्षिणा नहीं दी जाए, सुरा फ्लेश मटन मांस जब तक इनको नहीं दी जाए, शराब नहीं दी जाए, तब तक किसी भी तरह की आत्मा की मुक्ति संभव नहीं थी। इनका तीसरा सिद्धांत यह था कि इनका एक आदर्श धर्म ही नहीं था, बल्कि एक आदर्श समाज की रचना भी, एक आदर्श समाज की भी रचना थी, और वो वेदों में लिखी गई है। इसका मतलब है, जो पहला सिद्धांत है कि वेद ये पवित्र है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो अचूक है, इसलिए ये समाज रचना भी अचूक थी, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और इस समाज रचना का नाम था चातुर्वर्ण्य। चातुर्वर्ण कुछ सिद्धांतों के ऊपर बेस था, इसके कुछ अपने ही नियम थे। इसका पहला नियम है कि चारों वर्णों में ये पूरा समाज चारों वर्णों में विभाजित किया जाएगा, और उन चारों वर्णों का नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह से मानव जाति को चार वर्णों में बांटा जाएगा, और इन चारों वर्णों में, इसका दूसरा सिद्धांत है कि इन चारों वर्णों में कोई भी सामाजिक समता नहीं होगी, और वर्गवाद विषमता इन लोगों में होगी, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। इन लोगों में कोई भी सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, सामाजिक समता नहीं होगी, और इन लोगों में वर्गवार इनइक्वलिटी होगी, वर्गवार असमता विषमता होगी। यानी ब्राह्मण ऊपर होगा, क्षत्रिय ये वैश्यों के ऊपर होगा, उनके नीचे वैश्य होंगे जो क्षत्रिय के नीचे होगा, लेकिन वो शूद्रों के ऊपर होगा, शूद्र इन तीनों के नीचे होगा। इस तरह से
एक के ऊपर दो, एक एक के ऊपर एक, इस तरह से वर्गवार असमानता का इनका एक अपना ही समाज रचना इनकी थी। इस समाज रचना का इन चारों वर्गों के इसमें जो बांटा गया था, इन चारों वर्गों के अपने खुद के विशेष अधिकार थे और उनके विशेष हक हुआ करते थे। ब्राह्मणों को सभी तरह के अधिकार और सभी तरह के हक उनके पास निहित थे। क्षत्रियों के पास ब्राह्मणों से कुछ कम हक और कुछ कम अधिकार क्षत्रियों के पास हुआ करते थे। वैश्यों के पास ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से थोड़े अधिकार उनके पास हुआ करते थे, और शूद्रों के पास किसी भी तरह का अधिकार उनको नहीं होता था और किसी भी तरह का हक उनको नहीं दिया जाता था। उनका हक इतना ही था कि ऊपर के तीनों वर्णों की किसी भी तरह से रिटर्न्स, किसी भी तरह से कोई मुबदला, किसी भी तरह से कोई इनकम लिए बिना इन तीनों की सेवा करना और कभी भी कोई सवाल नहीं पूछना, यही इनका हक हुआ करता था। तो इस तरह से इन्होंने इन समाज रचना का विभाग किया था। इसका चातुर्वर्ण का तीसरा सिद्धांत मैं बताना चाहता हूं। ये उन्होंने डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन, जो सर्विसेज थी, जो व्यवसाय था, उसको भी जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से उसको बांट रखा था। ब्राह्मणों का व्यवसाय सिर्फ इतना ही था कि वो अध्ययन करे, अध्यापन करे और पढ़ाई लिखाई करे और होम हवन करे, बस इतना ही ब्राह्मणों का व्यवसाय हुआ करता था। क्षत्रियों का अधिकार, क्षत्रियों का व्यवसाय ये सिर्फ लड़ना था। वैश्यों का व्यवसाय सिर्फ वो व्यवसाय किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, और शूद्र इन तीनों की गुलामी करेगा। इस तरह से इनका चातुर्वर्ण का ये तीसरा सिद्धांत था। चातुर्वर्ण का तीसरा सिद्धांत शिक्षा के अधिकार से था। शिक्षा का अधिकार ये केवल ब्राह्मणों को होगा, क्षत्रियों को होगा और वैश्यों को होगा। शूद्रों को किसी भी तरह का शिक्षा का अधिकार नहीं होगा और महिलाओं को भी किसी भी तरह का शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। चाहे वो स्त्री ब्राह्मणों की हो, चाहे वो स्त्री क्षत्रियों की हो, चाहे वो स्त्री वैश्यों की हो, किसी भी वर्ण की स्त्री को भारत में किसी भी तरह का शिक्षा का अधिकार ये चातुर्वर्ण के तीसरे सिद्धांत के, चौथे सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरह का एजुकेशन ये स्त्रियों को नहीं होगा। इस तरह का चातुर्वर्ण का पांचवा सिद्धांत था कि इंसान का जो जीवन है ये चार भागों में उसको बांटा गया था। पहला भाग, पहला स्टेज ब्रह्मचर्य उसको कहा जाता था, दूसरा स्टेज ये गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, तीसरा स्टेज ये वनप्रस्थ आश्रम कहा जाता था, और चौथा स्टेज यानी संन्यास कहा जाता था। पहली जो स्टेज थी ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य की स्टेज सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके लिए खुली थी। शूद्र और महिला ये पहले स्टेज का पालन नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब था कि एजुकेशन उस फेज में, उस स्टेज में एजुकेशन, शिक्षा का प्राप्त करना ये उस स्टेज में कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में एक घरेलू जिंदगी वो जिया करते थे। तीसरे स्टेज में वो वनप्रस्थ आश्रम का पालन किया करते थे। वनप्रस्थ आश्रम यानी घरेलू जिंदगी बिताते ही वो धीरे धीरे सन्यासी के ओर वो जाए, और घर में रहते ही सभी से अपना अपना जो मन है वो धीरे धीरे बाहर निकालते हुए एक सन्यासी की तरफ बीते। और चौथा जो स्टेज था वो सन्यास लेकर जंगलों में निकल जाना, इस तरह से सन्यासी बन जाना, ऋषि बन जाना। ये सारा इंसान की जिंदगी इन चारों फेज में डिवाइड कर रखी थी। पहली स्टेज यानी ब्रह्मचार्य और चौथी स्टेज संन्यास, ये स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए कभी खुले नहीं थे। तो इस तरह से चातुर्वर्ण की पांचवा सिद्धांत, इस तरह के पांच सिद्धांत ये चातुर्वर्ण के थे। और वेद का जो चौथा सिद्धांत था, वो चौथा सिद्धांत था कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से इस सवाल का जवाब था कि आत्मा कहां से आया है और वो कहां जाने वाला है। तो ब्राह्मण इस तरह से कहा जाते थे कि पूर्व जन्म में आप लोगों ने कुछ पाप किया है और इसलिए आप आज इस जीवन में आप लोगों को दुख भोगना पड़ रहा है।
तो इस तरह का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणों का था। कर्म का सिद्धांत यही कहता था कि पिछले जन्म में कुछ कर्म आप लोगों ने गलत किया है, इसलिए इस कर्म में, इस जीवन में आपको दुख है। ब्राह्मणों ने यह कर्म का सिद्धांत इसलिए तैयार किया ताकि इस जन्म में इंसान सवाल ना पूछे और अपने आप को ही वो दोषी ठहराए कि अगर कुछ गलत मेरे जीवन में हो रहा है तो ये केवल मेरे पूर्वी जन्म का पाप था, इसलिए इस जन्म में मुझे वो भुगतना पड़ रहा है। इंसान अपनी बुद्धि को हमेशा हमेशा के लिए ये नष्ट करे, प्रज्ञा को नष्ट करे, इंटेलिजेंस को नष्ट करे, इसलिए इस तरह का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणों ने इस चातुर्वर्ण के और वैदिक धर्म के सिद्धांत में समाविष्ट किया था। बुद्ध ने पूरी तरह से इस ब्राह्मणी व्यवस्था का पूरी तरह से खंडन किया, बहिष्कार किया। बुद्ध ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई भी चीज ये अचूक होती है, सवाल करने से उसके लिए रोका जा सकता है और कोई भी चीज पवित्र हो सकती है, और इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले जो सिद्धांत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का था कि वेद पवित्र है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, बुद्ध ने इस बात का खंडन किया। बुद्ध ने यह बताया कि इंसान को हमेशा सच्चाई जानने का अधिकार होना चाहिए और सच को जानने का हर एक इंसान का एक अधिकार होता है, वो उनसे नहीं छीन लेना चाहिए, और ये बुद्ध ने पहली बात वहां पर कही। बुद्ध का दूसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर था कि यज्ञ को लेकर ब्राह्मणों का कहना था कि अगर आत्मा की मुक्ति चाहते हो तो यज्ञ करवाना होगा। बुद्ध का पूरी तरह से ब्राह्मणों के इस यज्ञ को विरोध था। बुद्ध कहते थे कि अगर पशुओं की, जानवरों की बलि देनी है और बलि देने से ही अगर स्वर्ग मिलता है तो ब्राह्मण अपने पिता की बलि चढ़ाए ताकि जल्दी स्वर्ग मिले, और सभी लोग बुद्ध की इस बातों को माना करते थे। तो बुद्ध ने दूसरा ये खंडन इनका किया। बुद्ध ने तीसरा खंडन किया, वो खंडन किया कि ये जो चातुर्वर्ण की जो सिस्टम है, ये बुद्ध ने सर्वथा इसका खंडन किया कि नहीं, ये नैसर्गिक नहीं है, और इस तरह से अगर किसी समाज की रचना की जाती है तो अगर कोई आदमी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो वो हमेशा के लिए ब्राह्मण हो जाएगा, और अगर कोई आदमी शूद्र के घर में पैदा हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए वो शूद्र हो जाएगा। कितने भी अच्छे कर्म करो तो वो शूद्र, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, और कितने भी पाप करो तो ब्राह्मण शूद्र नहीं बनेगा, और इसलिए बुद्ध ने पूरी तरह से इस समाज रचना का विरोध किया और इसका खंडन बुद्ध ने भी पूरी तरह से विरोध किया। बुद्ध ने देखा कि कर्म का जो सिद्धांत है वो जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है ताकि कमजोरों को दबाया जाए और उनका शोषण किया जाए। बुद्ध ने देखा कि शूद्रों को और महिलाओं को किसी भी तरह का ज्ञान पाने का, एजुकेशन, शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि ये सारे लोग अज्ञानता में चले गए। ब्राह्मणवाद का विरोध करने के बजाय, ब्राह्मणों का विरोध करने के बजाय शूद्र और महिला ये उनके भक्त बन गए थे और उनकी सारी इस व्यवस्था का समर्थन करने में लग गए थे। किसी भी लड़ाई में, अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में अंतिम जो अधिकार होता है वो शस्त्र उठाने का होता है, लेकिन शूद्रों का वो अधिकार भी छीन रखा था, और इसलिए बुद्ध ने सोचा कि क्या ये ब्राह्मणों की ये जो व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में कोई बदलाव कर सकते हैं। तो बुद्ध ने देखा कि वेद तो पवित्र है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए बुद्ध ने सोचा इसको कोई बदलाव इसमें नहीं कर सकते, इसका एक ही उपाय है, इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको तबाह किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से इसका जो वर्ड बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा है वो लाइन में आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब लिखते हैं, Could it be amended? जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, क्या इसमें हम कोई बदलाव कर सकते हैं? Knowing that it was divinely ordained social order. ये पता था कि ये सामाजिक रचना, ये पवित्र रचना है और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें एक ही चीज हो सकती है, इट कुड बी ओनली बी एंडेड, इसको समाप्त करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये बुद्ध ने ये स्टैंड वहां लिया और बुद्ध ने देखा कि ब्राह्मणवाद को केवल और केवल इसको
इनकार किया जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर। वेद और ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ के अलावा उपनिषद करके भी और साहित्य बुद्ध के पहले से मौजूद थे। ये उपनिषदों का मानना था कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्मा का कहना क्या है, ये इसी के ऊपर ये उपनिषदों का ये सारा कहना था। उस समय एक यज्ञ वाकल्य करके, यज्ञ वाल्क्य करके एक ऋषि हुआ करते थे, तो बुद्ध ने उनको पूछा था कि आपने कभी ब्रह्मा को देखा है क्या, वो कैसे दिखते हैं, तो उनका जवाब था कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो बुद्ध ने उपनिषदों को भी ग्राह्य नहीं पकड़ा और उसका भी विरोध बुद्ध ने, वो कभी एक्सेप्ट, उपनिषदों को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ऋषि, वैदिक ऋषि के बाद वेद, वेदों के बाद ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का कहना था कि वेद ये अपौरुषीय है, पवित्र है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसमें एक आदर्श समाज रचना उन्होंने की थी जिसको चातुर्वर्ण की रचना बताई थी। चातुर्वर्ण में पांच सिद्धांत बताए गए थे, वो पांच सिद्धांत हमने देखे और कर्म का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। तो इस तरह का ब्राह्मणी धर्म बुद्ध के पहले से ही भारत में अस्तित्व में था और उसके बाद उपनिषद। तो ये सारे बुद्ध के पहले की व्यवस्था भारत में थी। कल हम देखेंगे कि बुद्ध के कंटेम्प्रेरीज, उनके साथ जो चल रहे थे, उनकी मत क्या थे, और बुद्ध के पहले के दार्शनिक और बुद्ध के साथ के दार्शनिक, इन लोगों में से, इन दार्शनिकों में से, इन फिलोसोफर्स से, इन तत्वज्ञानियों से बुद्ध ने क्या क्या उनसे एक्सेप्ट किया, क्या क्या उनका स्वीकारा, क्या क्या रिजेक्ट किया, और बुद्ध ने कौन सा नया मार्ग दिया, ये हम कल और आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।